का नाम लूं का जन्म होता है तो दूसरे तरफ अपने बाप को भी मार कर अपने भाइयों का सर कत्ल करके दुष्ट राज्य करने वाला भी संप्रदाय आज भी गद्दार बनकर इस भारत मां के वक्षस्थल पे बैठे हैं। चुनौती है, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है तो याद रखो कि यह भारत मां है और यहां का एक संत जब उठता है तो यहां से पीटना प्रारंभ करता है तो जानते हो अफगानिस्तान तक पीटता है। और आज भी लोग कहते हैं कि सो जा बेटा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। मुगल आए चोर बनकर आए, बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, नादिर शाह कौन था, अब्दुल साहब दाली कौन था, ये सब क्या कोई पीर और फकीर थे? और जो इनसे नाता जोड़ता है वो भारत मां का बेटा नहीं हो सकता, और जो भारत मां का बेटा नहीं वो मेरा भाई कैसा, और जब मेरा भाई नहीं तो फिर उनके साथ रिश्ता कैसा? अगर भाई बनना है तो बनोरस खान सीने से लगाऊंगा, सर पे बिठाऊंगा, लेकिन जब तुम्हें बंदे मातम स्वीकार नहीं होगा तो फिर तुम्हें इस भारत में रहने का कोई अधिकार भी नहीं होगा। अंग्रेज आए दोगले बनकर, मैं नहीं कह रहा हूं उनका धर्म इस्लाम धर्म पर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय डॉक्टर केन लोहाता की अदालत FIR नंबर 3431 हाजकोज थाना इंद्रदेव सनमा बनाम दिल्ली सरकार का फैसला, म्युनिसिपैलिटी मजिस्ट्रेट जेन लोहाटा की अदालत दिल्ली में चली और उन्होंने फैसला दिया कि जब तक ये इनके धर्म ग्रंथ हैं तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि इनका धर्म ही सिखाता है लड़ाई करना, झगड़ा करना, लूट करना, मार करना, इसलिए इन पर ज्यादा चर्चा मैं नहीं करता। इसका परिणाम जो काम मोहम्मद साहब ने प्रारंभ किया वही काम बाबर ने किया, वही काम औरंगजेब ने किया, वही काम मोहम्मद जिन्ना ने किया, वही काम आज मोहम्मद बुखारी कर रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ा है। बम में रोड पर बम चलाने वाले क्या कर रहे हैं? दूसरे तरफ ये अंग्रेज आए, अंग्रेज मैंने दोगला, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर कोई क्रिश्चियन धर्म का, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि खास करके यहां के क्रिश्चियन धर्मावलंबियों ने मेरे इसी प्रक्षेत्र में कुछ किताबें बांटे हैं, उस किताब में लिखा है राम कायर थे नपुंसक थे, बुद्ध हिजड़े थे, हनुमान जी बंदर था, तो तुम मेरे धर्म को जब गाली दे सकते हो तो कृपया प्रशासन वर्ग ध्यान दे, मैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 वाक्य की स्वतंत्रता के आलोक पर तुमको भी गाली देने के लिए स्वतंत्र हूं। और सुनो, बाइबल में लिखा लूत का प्रकरण, कोई बेटी को अपना बाप अपनी बेटी को बलात्कार करके बच्चा पैदा करे उसको क्या कहोगे, दोगला कहोगे कि नहीं? कोई बाप अपनी बेटी को बलात्कार करके बच्चा पैदा करे उसको दोगला कहोगे कि नहीं? जय जोर से बोलो, कहोगे कि नहीं? इसलिए मैंने अंग्रेजों को दोगला कहा। चैप्टर नंबर लिख लो, खास करके प्रशासन वर्ग और मीडिया लोग नोट कर लीजिए, बाइबल का उत्पत्ति विषय पन्ना नंबर 25 लाइन नंबर 36। अब आइए, अंग्रेज आए
क्या क्या दोगलपन किए, अरे यहां तक किए कि उनको मैंने भाई माना, लेकिन भाई तो छोड़ो, उन्होंने मेरे पीठ में खंजर भोपी। और यही अंग्रेज थे जब भारत के लोगों को खून निकाल निकाल कर विक्टोरिया सरकार को साबुन बनाने के लिए भेजते थे। बहुत लड़ाई हुई, देश आजाद हो गई, इन दुष्ट अंग्रेजों के हाथ से, गोरों के हाथ से, कालों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। इनकी एक कमिटी है, क्रिश्चियन कांग्रेस आई फॉर इंदिरा नवेतर, आई फॉर ईसाइयत है, नाम बता रहा हूं। वो कमिटी क्यों बनाई गई कि देश को पोप के चंगुल में रखकर इस देश को गुलाम करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास गृह डिपार्टमेंट का वह बयान मेरे पास है, इस देश को कैसे गुलाम बनाना है। उसके अध्यक्ष का स्वयं एक विदेशी है, ईसाई है, आनंद शर्मा की पत्नी ईसाई, मनीष तिवारी की पत्नी ईसाई, अजीत जोगी की पत्नी ईसाई, राम कोटारिया की पत्नी ईसाई, बेसेंट जॉर्ज ईसाई, सतीश शर्मा की पत्नी ईसाई, माकनलाल पुत्तेदार की पत्नी ईसाई, सलमान खुर्शीद की पत्नी ईसाई, इनके पिछाड़वे की पत्नी ईसाई।